अपने दम पर जैसा चाहा, मेहनत से वैसा कर डाला। मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। नमस्कार, मैं हूं जूही मल्होत्रा। नमस्कार, मैं हूं बाबला कोचड़ और हम आपके लिए लेकर आए हैं डीडी किसान के इस विशेष मंच पर ये विशेष कृति जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। कवि शैलेश ने क्या खूब लिखा है, वो पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी भी गजल को मुकम्मल कर दे। वाह, क्या बात है। और इस मंच की शोभा बढ़ाने वाली महिला किसान नायिकाएं वो काफिया हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गजल को मुकम्मल किया है। तो जूही जी, अब ये बताइए कि आज हमारे भारत राष्ट्र की तरक्की की गजल को मुकम्मल करने वाली अगली महिला किसान नायिका कौन है जो इस मंच की शोभा बढ़ाने जा रही जी, है? जी बुलाती हूँ, जितना इंतजार आपको है उतना मुझे भी है, लेकिन पहले अपने सम्मानित जजेस का स्वागत करते हैं। जी तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए डॉक्टर मालविका ददलानी जी का। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी का। तालियां। हम स्वागत करते हैं अपनी तीसरी जज डॉक्टर प्रेमलता सिंह जी का। और अब हम स्वागत करने को आतुर हैं हमारी आज की पहली महिला किसान नायिका का। रंगाईसर गांव जिला चुरू राजस्थान से हमारे बीच आ गई है राजू देवी। आइए स्वागत करें उनका जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां। चुरू राजस्थान से राजू देवी जी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजू देवी जी आपका। राजू जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, पारंपरिक वेशभूषा में आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं इस मंच पर आकर? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ जी। और पहली बार क्योंकि प्लेन से सफर किया ने हमको बहुत अच्छे लग रहे। प्लेन से सफर किया है, क्या बात है। बिल्कुल, तो आइए सफलता की कहानी को आगे ले जाते हैं जी। राजू जी, आपके कार्य क्षेत्र पर जहाँ से आप आती हैं चुरू राजस्थान से, उसके लिए हमने एक फिल्म बनाई है। आइए पहले वो फिल्म अपने माननीय जजेस को और सभी दर्शकों को दिखाते हैं जी। और राजस्थान की सांस्कृतिक झलक पाते हैं और फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 255 किलोमीटर और चुरू जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर बसे इस सरदार शहर को राजा शाही के जमाने में बीकानेर के राजा सरदार सिंह के नाम पर बसाया गया। करीब 1,00,000 की आबादी वाला ये सरदार शहर अपने नाम के अनुरूप जीवट, मेहनतकश और प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में जुटा रहता है। यहाँ पर कई भीषण अकाल पड़े, खेती करना यहाँ आसान काम नहीं है। गर्मियों में तकरीबन 49.8 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में पारा शून्य से नीचे रहने वाले इस चुरू जिले में खेती करना और उसे आजीविका का मुख्य साधन बनाए रखना बेहद कठिन काम है। इस जिले में 325 से 327 मिलीमीटर ही वर्षा हो पाती है, ऐसे में बारिश के पानी का संग्रहण करना यहाँ अनिवार्य हो जाता है। चुरू जिले का अधिकतर भूभाग असिंचित है, ऐसे में क्षेत्र की मुख्य फसल बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ व तिल इत्यादि है। रेतीले धोरों के बीच राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सीना तान कर खड़ा रहता है। इस खेजड़ी के कारण रेगिस्तान में हरियाली दिखती है। खेजड़ी से मिलने वाली सांगरी राजस्थानी भोजन का अहम हिस्सा है। चुरू जिले की तहसील सरदार शहर, इसी सरदार शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव रंगाईसर। करीब 2,000 की आबादी वाले इस गांव का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। आइए आइए राजू देवी जी, आइए। डॉक्टर मालविका ददलानी जी, आप क्या कहेंगी? अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सूखा, मतलब बहुत कम वर्षा, लेकिन उसी के साथ अत्यधिक सुंदर भी है ये क्षेत्र।
वहाँ से आई हैं आज राजू देवी, राजू खती, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं जानती हूँ कि वहाँ की महिलाएं नृत्य गीत में बहुत पारंगत होती हैं, आपको भी ज़रूर गाना आता होगा या नृत्य भी आता होगा। अगर वहाँ की कुछ पारंपरिक लोकगीत या लोक नृत्य आप कुछ दिखाना चाहें। होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे चनने, होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे चनने, मारिए मंगे चन चुड़ले वाली, मारिए मंगे चन चुड़ले वाली, घड़िया वालो रे नवा कयो रे मंगे चनने, घड़िया वालो रे नवा कयो रे मंगे चनने। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत खूबसूरत। भाई अभी तो हमने एक फिल्म देखी जिसने राजस्थान की खूबसूरती के बारे में हमें बताया, अब दूसरी फिल्म देखते हैं जो कि राजू देवी जी के कार्यों का बखान देगी हम सभी को। आइए वो फिल्म देखें। गांव रगाई सर की बहू राजू खाती के बारे में, जो शादी के बाद अब राजू देवी के नाम से गांव भर में एक बहू के रूप में नहीं वरन एक ऐसी महिला के रूप में पहचानी जाती हैं, जो कि बहू, बेटी, माँ, भाभी और चाची की भूमिकाओं में एक साथ काम करते हुए गांव रंगाईसर और अपनी ससुराल का कमाऊ पूत भी बन गई हैं। राजू देवी ने न सिर्फ अपनी ससुराल को एक नई पहचान दिलवाई है बल्कि साथ साथ अपने गांव की महिलाओं के लिए भी रोजगार और लघु बचत के रास्ते उन्होंने खोले। राजू देवी की जब शादी हुई तो वो 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी। शादी के बाद एक भरे पूरे परिवार का वे हिस्सा बनी। उनके पति सुरेश कुमार एमए तक पढ़े। राजू देवी के ससुर बीए पास हैं। संयुक्त परिवार में ब्याही गई राजू देवी के जेठ भी 10वीं तक पढ़े हुए हैं। ऐसे में राजू देवी अपनी ससुराल में शिक्षित पहली महिला बनी। राजू ने ये मन में सोच रखा था कि उन्हें शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखनी है। आज वे तृतीय वर्ष की स्वयं पाठी छात्रा हैं। बकौल राजू देवी, जब वो शादी होकर आईं, उनकी ससुराल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने सोच लिया था कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने ससुराल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करना है। इसी संकल्प के साथ स्थापित हुआ श्री विश्वकर्मा लघु मसाला उद्योग व श्री श्याम स्वयं सहायता समूह। इस घर में मैं आई और हमारे सास ससुर से पढ़ाई के लिए भी कहा तो उसने मेरा सहयोग दिया और हमारे पति भी सहयोग दिया और अभी तक सहयोग दे रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह स्थापित करने की ट्रेनिंग राजू देवी ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद चूरू से ली। घर के कामों को अंजाम देते हुए राजू देवी परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं। उनकी प्यारी सी बेटी बीच बीच में अपनी माँ के आंचल में आ सिमटती है तो राजू देवी की थकान पल में दूर हो जाती है। राजू देवी के घर में खुला हुआ है दुग्ध संग्रहण केंद्र। यहाँ पर दूध की गुणवत्ता को जांच परखने के बाद दुग्ध को डेयरी में भेजा जाता है। इसी तरह से दुग्ध संग्रहण केंद्र भी इनके घर के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन चुका है। राजू देवी ने अपने घर में ही एक छोटा सा किचन गार्डन भी तैयार किया है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र की पोषाहार वाटिका के कॉन्सेप्ट का एक लघु रूप है। उनके घर में अधिकतर पोषाहार वाटिका में उगी सब्जियों से खाना बनता है। क्या बात है? हमारे जजेस इनके कार्यों के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? राजू जी, पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपने मसाले का उद्योग शुरू करा हुआ है तो इसमें आप क्या क्या करती हैं और इसकी कहाँ कहाँ बिक्री करती हैं? मसाले को हम काम करते हैं, पहले तो हम बीकानेर से खरीद कर लाते हैं मसाले, घरे ला के उसको छंटाई करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसको पीस के पैकिंग करके फिर बेचते हैं गाँव में। अच्छा, गांव में बिक जाता है ये? गांव में, पास के गांव। अच्छा, और आपने जैसे समूह भी बना रखा है? हाँ, समूह है।
तो समूह के में भी बिक्री का कुछ मिलके आप लोग बिक्री करते हैं कि अकेले अकेले करते हैं? समूह की महिला भी साथ देते हैं और उसको बिक्री करते हैं। अच्छा, ये पैकेजिंग जो है आप करते हैं, तो इसको इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है, कोई खास ढंग से करते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से, उधर से ट्रेनिंग मिली है। इसका कुछ आपने नाम दिया है, जैसे कई बार विश्वकर्मा जी? हाँ जी, श्री विश्वकर्मा जी लघु उद्योग मसाला। अच्छा, आपने नाम भी दिया हुआ है। कोई आपको कोई इसके लिए आपने कहीं पंजीकरण कोई सर्टिफिकेट मिला है? नहीं है। अच्छा, वो आगे करवा लीजिएगा तो आपका काम और अच्छा आगे बढ़ जाएगा। खेती में आपकी कौन कौन सी फसल होती? बाजरा, मोठ, मूंग, तिल। आपका उसमें कितना योगदान होता है? हमारा योगदान कम ही रहता है, बारिश नहीं होती है तो। वहाँ बारिश कम होती ही है उस क्षेत्र में, ये तो है, लेकिन खेती का फसलों का काम आपका ज़्यादा कौन देखता है? हम भी देखते हैं, हमारे घर वाले भी देखते हैं। घर वाले भी कुछ इन फसलों के बारे में बताएंगे, इनकी उन्नत जातियाँ देखा है कि उन्नत जातियाँ दिखाई गई हैं सब, इसमें कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी इसमें 16-17 हज़ार की हो जाती है। और आपके पास कितनी गाय हैं? एक। एक तो दूध क्या बाहर से गांव वालों का आता है? आप खरीदती हैं, कैसे करती? नहीं, घर पे खरीदती हैं। घर पे ही देने के लिए आते हैं घर, तो उसका कैसे पैसा वैसा कैसे देती हैं? अकाउंट में आ जाते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लाती हैं कि और कोई? हाँ, लाती हैं। अच्छा, और भी लाते हैं। अच्छा अच्छा, कितना दूध आ जाता होगा एक दिन में? एक दिन में 2.5 क्विंटल आ जाता है, 250 एक टाइम के। अच्छा अच्छा, इसका बेचने का कोई है निश्चित स्थान कि कैसे होता है? नहीं, सरदार सर देंगे, सरदार सर। अच्छा अच्छा, राजू देवी की सफलता की कहानी को विस्तार देंगे, कुछ अनछुए पहलू हैं जिनसे आप सभी को रूबरू कराना है। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान की इस विशेष कृति में, जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां जी। राजू देवी जी, आपके कार्य क्षेत्र पर आपने जो कुछ नया नया काम किया है खेती किसानी के क्षेत्र में, हमने एक और फिल्म बनाई है, आइए वो फिल्म दिखाते हैं और उसके बाद में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजू देवी के मसाला उद्योग में बने मसाले यूं ही अपनी पहचान नहीं बना रहे, इन मसालों को तैयार करने में बहता है पसीना और श्रम की सुगंध धीरे धीरे फैलती ही जाती है। लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और जीरे को पहले सुखाया जाता है, उसके बाद मिर्ची के डंठल तोड़कर उन्हें कूटने और पीसने की तैयारी की जाती है। तीखा मिर्च मसाला और साधारण मिर्च मसाला तैयार करने के लिए राजू देवी उन लाल मिर्च की चटनी या सब्जी बनाकर देखती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजू देवी के मसाला उद्योग के बने मसालों का वैल्यू एडिशन उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी है, जिसके कारण उनका मसाला आसपास के 6-7 गांव में अपनी पहचान बना रहा है। महीने में करीब 1 क्विंटल मसाला राजू देवी के मसाला उद्योग में तैयार होता है। मसाला तैयार होने के बाद इन्हें 1 किलो और 0.5 किलो की मात्रा में थैली में पैक कर बिक्री के लिए रखा जाता है। ये मसाले कपड़े के थैले में पैक किए जाते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण की सोच को भी दर्शाती है। 2 साल के भीतर राजू देवी की मेहनत ने, इनके मसाला उद्योग में बने मसालों ने घरों में अपनी पैठ बनाई है। राजू देवी और उनके पति सरदार शहर के परंपरागत मसाला बाजार से खरीदारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि राजू देवी पूरी तरह से मसाला उद्योग में रम चुकी हैं। वे आज भी अपने खेत और पैदावार की सार संभाल करने अपने खेतों में पहुंचकर काम करती रहती हैं। राजू देवी की सोच और केवीके के साथ ने उन्हें आज खुशहाल रास्ता दिखाया है।
इन सपनों को पूरा करने में कृषि विज्ञान केंद्र के योगदान को ये महिलाएं और किसान कभी नहीं भुला सकेंगी। हमने कृषि विज्ञान केंद्र जाके पढ़ाई करी, पढ़ाई करके उससे पूछा कि हमारे घर की स्थिति बहुत कमज़ोर है तो हमने क्या करना चाहिए, तो उसने कहा क्या कि आप मसाला दोगे, आप मशीन खरीद लो, उससे मसाला बेचोगे नहीं तो आपकी स्थिति बढ़ जाएगी। तब मैंने सोचा, घर पे आके कहा उसको, तो उसने मान लिया और हमने मसाला दोगी मशीन खरीद ली और उससे हमारे घर की स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है और महीना में हम 100 किलो मसाला बेचते हैं। सरदार शहर और रंगाईसर की महिलाओं ने राजू देवी के जरिए ये सीख लिया है कि मुट्ठी से फैलती रेत के मानिंद समय को कैसे अपनी मुट्ठी में किया जाता है। राजू देवी के हौसले और इरादे को सलाम। आइए राजू देवी, आइए सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। आप मसालों का उद्योग करती हैं और ये मसाले, खड़े मसाले आप बीकानेर से खरीद के लाती हैं? हाँ। बीकानेर से खरीद के लाती हैं, वहाँ क्या बहुत बड़ा बाजार है मसालों थोक का? से थोक से खरीद कर लाते हैं। थोक अच्छा मिलता है, वहाँ से लेके आती हैं, उसके बाद इनको क्या धोती भी हैं, सुखाती हैं या सिर्फ सुखाती हैं? धोके सुखा के, धोके सुखाती हैं। और क्या है, मिर्ची है हमने देखा, धनिया दिखा, जीरा भी दिखा, और क्या है? हल्दी। हल्दी जी, हल्दी, ये चार ही चीज़ें हैं या और भी कुछ है? चार, चार चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा क्या बनाती हैं? चाय और एक चाय, और चाय भी है। किस चीज़ की चाय? चाय पत्ती है। और उसके बाद फिर उनकी पैकिंग करके बेच देते हैं। सिर्फ पैकिंग करती हैं, छोटे उसमें पैक, थोक में ला के पैकिंग करती हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने व्यवसाय शुरू किया, कितने साल हो गए आपको? डेढ़ साल। डेढ़ साल। आपने कुछ मशीनें भी खरीदी हैं हमने देखा, कितनी मशीनें हैं? एक। केवल एक मिर्ची के लिए? हाँ, मिर्ची के लिए। और बाकी धनिया जीरा वगैरह के लिए? वो भी मशीन है। तो कितनी मशीनें हैं? दो। तो जब एक मसाला आप कर लेती हैं, उसके बाद उसकी सफाई किस तरह से करती हैं? गेहूँ पीस के सफाई करके, फिर गेहूँ पीस के। अच्छा अच्छा, जिससे उसी में लग के वो सारा निकल जाए। हाँ, सारा निकल जाए। अच्छा अच्छा, कि ये जो आपने दो मशीनें खरीदी, उसकी कितनी लागत थी? मिर्च वाले 40 में, मिर्च वाली 40,000, दोनों 50,000, दोनों मिला के 50,000। अच्छा, और कितनी आपकी आमदनी हो जाती है सालाना? 70,000। बहुत अच्छा, ये जो आपकी सोच है ये बहुत अच्छी है। वाटिका आपने लगाई है, न्यूट्रिशन गार्डन आपके घर के पास, वो कितने क्षेत्र में है? प्लाट बड़ा है? नहीं, छोटा ही है। क्या क्या उसमें लगाती हैं? तोरू, तोरू गिया, लौकी। ये तो बहुत पहले से लगाया जाता है घर के पास, लोग अपना लगाते हैं। कोई नई चीज़ उसमें जोड़ी है? हाँ। क्या जोड़ा है? टमाटर, मटर, भिंडी। अच्छा अच्छा, आपके पास कितना ज़मीन है खेती बाड़ी के लिए? 4 हेक्टेयर। तो उसमें एक तो बरसात की फसलें, बाजरा और ये बीन, क्लस्टर बीन, गर्मियों में ग्राम लगाती हैं, और क्या क्या फसल, कोई और फसल लगाती हैं? और नहीं, बाजरा, बाजरा है? बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, ये चार ही फसल। ग्वार भी लगाती हैं? हाँ, ग्वार भी। हाँ, तो ग्वार का क्या करती हैं? ग्वार को बेच देते हैं। बेच देते हैं। सब्जी वब्जी का इस्तेमाल करती हैं ग्वार का? हाँ, सब्जी का भी करते हैं। आप मोबाइल यूज़ करती हैं? हाँ। किसी विज्ञान से उसका संबंध है? हाँ। वहाँ से भी सूचना आदान प्रदान होता है? होता है। अमूमन किस बारे में ज़्यादा सूचना लेती हैं या देती हैं? मसाले के बारे में। मसाले के बारे में, चलिए बहुत अच्छी। राजू जी, आपने 12वीं पास करी हुई है और अभी आप BA भी कर रही हैं, और हमने देखा कि आपको पढ़ाने का भी शौक है, तो ये कृषि की जानकारी के लिए भी आप कोई मैगजीन या अखबार पढ़ती हैं? हाँ। अच्छा, और इसके अलावा? हम TV देखते हैं। TV भी देखते हैं। TV में कौन से प्रोग्राम देखते हैं कृषि के लिए? DD1 ये देखते हैं, और
दूरदर्शन राजू जी, आपकी सफलता की कहानी के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्टूडियो में आपके साथ कौन आया है? हमारे हस्बैंड और हमारी बच्ची आई है साथ। जी, बच्ची आई है और हस्बैंड आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महिला किसान अवार्ड्स में। अपने बारे में कृपया कुछ बताएं। राम राम साहब, मैं चुरू जिले के रंगाईसर गांव से आया हूँ। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश जी, ये बताएं, आज इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर आपकी पत्नी एक प्रेरणा स्रोत बनकर खड़ी है, कैसा लग रहा है आपको? इस मुकाम तक पहुंचा इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन का सफर बड़ा लंबा है और आगे कुछ विशेष योजनाएं आप दोनों ने मिलकर बनाई हैं खेती किसानी के लिए? जो अभी ये जो लघु उद्योग चालू करके रखा है उनसे जो आगे आगे जैसा बढ़ता जाएगा तो जिनसे हमारी इनकम और अच्छी होती चली जाएगी। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जब तक हमारे जजेस राजू जी के कार्यों का विश्लेषण करके उन्हें अंक देते हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूं राजू जी कि आप दर्शकों के बीच जाकर अपने स्थान पर बैठे। ब्रेक के उस पार एक और किसान नायिका है जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपके अंक भी बताएंगे। आप सब देखते रहिए डीडी किसान की एक खास प्रस्तुति जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान की इस विशेष कृति में जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। जूही जी, भारत के किस प्रदेश से कौन सी कर्मठ महिला अपनी सक्सेस स्टोरी को, अपनी कामयाबी की मिसाल को अब मंच पर प्रस्तुत करने जा रही? इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत रेगिस्तान से अब पहाड़ों की ओर का रुख करते हैं। शाहपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच आने जा रही हैं सुमन लता शर्मा। स्वागत। जोरदार तालियां सुमन लता शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश से, कांगड़ा से सुमन लता शर्मा जी आई हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन। सुमन लता जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक है, बस ठीक ही है, अच्छी हैं? अच्छी हूँ। दिल्ली तक का सफर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, एरोप्लेन से आए। अच्छा, पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार। डर लगा? नहीं लगा। नहीं लगा, देखिए हौसला कितना है। लेकिन आप वाकई, आपसे सीखने को बहुत कुछ है और आगे जो फिल्में हम दिखाएंगे वो आपके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगी और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली फिल्म हमने आपके गांव के बारे में, आपके परिवेश के बारे में बनाई है। आइए देखते हैं वो पहली फिल्म और फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल की सुरम्य वादियों में बसा कांगड़ा अपने सौंदर्य से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यह प्रदेश देवभूमि और वीरभूमि के लिए भी विख्यात है। जिला कांगड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 88 शिमला कांगड़ा और राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पठानकोट मंडी का संगम होता है। कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। 12 जिलों वाले इस प्रदेश का कांगड़ा जिला आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला, आज क्रिकेट स्टेडियम, शहीद स्मारक और तिब्बती समुदाय के धार्मिक गुरु दलाई लामा के कारण भी दुनिया के नक्शे पर आया है। इसी धर्मशाला इलाके धौलाधार श्रृंखलाओं से 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर तलहटी में बसा है कस्बा शाहपुर। ये नगर वाण गंगा तथा माझी नदियों के बीच बसा हुआ है।
यहाँ की उपजाऊ भूमि में अधिकतर लोग गेहूं, धान, आलू और रोजमर्रा की सब्जियां, फल उगाकर जीवन यापन करते हैं। साथ ही सरकार लोगों को निजी घरेलू उद्योग लगाने के लिए सहायता देकर प्रेरित कर रही है। इसी शाहपुर के सिहोलपुरी गांव की एक महिला उद्यमी सुमन लता शर्मा अपने घरेलू उत्पादों से देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर प्रेम लता जी? सबसे पहले तो सुमन लता जी, आपको बधाई हो, आप इस मंच पर आए हैं और इतने सुंदर खूबसूरत प्रदेश से आप आई हैं। एक हमने सुना है धाम, धाम बहुत मशहूर है। हाँ जी, कांगड़ी धाम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कांगड़ी धाम। कांगड़ी धाम होती है, सात प्रकार की सब्जियां बनाते हैं, जैसे गेहूं की दाल, नहीं उड़द की दाल, चने की दाल, मटर पनीर, और जो लुंगड़ू होता है उसका मदरा बनता है, पहाड़ों में मिलता है वो, जो लुंगड़ू होता है ना वो पहाड़ों में मिलता है, और जो सात सब्जियां बनती हैं हमारे, और चावल बनते हैं, और लास्ट में मीठा देते हैं कुछ खाने के लिए, वो चावल होते हैं या तो मीठा बना देते हैं, और सभी एक लाइन में बिठाते हैं सभी को, जैसे शादी में या कोई भी फंक्शन हो तो लाइन में बिठा के तो एक रसोईया परोसता है फिर उसको। बहुत अच्छा। हाँ जी, और आपके तो पहाड़ी गीत बहुत मशहूर हैं। हाँ जी, कुछ सुनाना चाहेंगी? हाँ जी, सुना देते जी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ठंडी ठंडी हा चुलदी चुलदे चीलां दे डालू, ओ चुलदे चीलां दे डालू, जीणा कांगड़े दा, ओ जीणा कांगड़े दा, कणक दियां दे धारा ज चुग दे, निके निके छिलो पेडू फुलणुआ चुग दे, गद्दी गदनी देख करी हसिया हो गदनी, सजिया बांका वालू हो जीना कांगड़े दा। क्या बात, बहुत खूबसूरत। चलते हैं अपनी अगली फिल्म की ओर, क्योंकि अब इनके कार्यों के बारे में बातचीत करते हैं। जी, विस्तार पूर्वक इनके कार्यों को दिखाते हैं इस अगली फिल्म में। जमीन से आसमान तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन इसे साबित कर दिखाया है सुमन लता ने। कांगड़ा की शाहपुर तहसील में लगा उनका छोटा उद्यम उनकी कामयाबी बयां कर रहा है। मैट्रिक पास करने के बाद सुमन लता की शादी 1986 में शाहपुर के मुकेश राज से हुई। समय बीतने के साथ ही दो बेटे और दो बेटियां भी परिवार में आ गईं। घर में छोटी खेती बाड़ी और गेहूं पीसने की एक चक्की थी। परिवार को चलाने के लिए सुमन लता ने घरेलू खाद्य उत्पाद जैसे बड़िया, दलिया, सीरा और सेवियां बनाकर बेचने की बात पति मुकेश राज से की, पर 25 साल पहले काम काज शुरू करने के लिए पैसों की कमी थी। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों और मित्रों से उधार लेकर अपना काम शुरू किया। हमने दोनों ने आपस में बात की कि क्यों ना हम कोई ऐसी मशीन लगाएं कि हम निशाचता बना सकें और बढ़िया भी बना सकें। तो हम गए वो जो बटाला में, और वहाँ से एक मशीन लेके आए छोटी सी, तो फिर हमने उससे ही शुरू कर दिया ये काम। और सभी लोगों के लिए अच्छी सुविधा हो गई कि लोग घर में भी बना सकते हैं, और मैंने भी काम शुरू कर दिया। ये सुमन लता की मेहनत का ही फल है कि अपने इन घरेलू उत्पादों की आमदनी हासिल की और उसकी बदौलत बच्चों की अच्छे से पढ़ाई करवा सकी हैं। अपने काम के बावजूद सुमन अपने परिवार के साथ भी समय बिताना नहीं भूलती। काम को करने से मेरी इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कि मैंने चार बच्चों को स्टैंड किया इस वक्त। तो बड़ी बेटी जो है उसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई है, और छोटी बेटी को भी BBA करवाई है, और दो बेटों को ITI करवाई है, और सारे बच्चे अपने अपने सेटल हैं। अब इतना ज़्यादा काम बढ़ चुका है कि लोग घर से ही खरीद के ले जाते हैं सामान, और दुकान वाले भी ले जाते हैं, सभी सामान लेते हैं मेरे से इधर आके। इतना है कि चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा से भी आते हैं लोग।
सुमनलता बेहतर को बेहतरीन करने के लिए वैज्ञानिक तरीके को अपना रही हैं। अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए पैकिंग पर खासा ध्यान देती हैं। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने गाय भी पाली है। वे इन गायों का दूध बेचकर कुछ और धन भी कमा लेती हैं। आइए अपने जजेस से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपने जो कुछ मशीनें खरीदी और उससे जो कुछ आप अपने उत्पाद तैयार करती हैं, वो एग्जैक्टली आप क्या क्या बनाती हैं? सीरा, सेमिया, निशास्ता, हल्दी पाउडर, अखरोट पाउडर और एक होता है संतरा और अनार और जो आंवला, उसको ग्राइंड करके जो कि लेडीज सिर में लगाती है हेयर। जी 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 जी। ये जो अखरोट का पाउडर आप बनाती हैं, वहाँ पे काफी ये लोकप्रिय एक वो है। जो धाम बनती है ना, उसमें खट्टा और मठड़ी बनती है। अच्छा। वो दही से बनती है, उसके काम आता है ये। और अच्छा। लोग जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। एक चीज बताएं कि ये आपने शुरू कब से किया ये काम? शुरू तो मैंने 97-98 में कर दिया था, तब हाथ से ही करते थे। 97-98 में? हाँ जी। और मशीनें कब खरीदी? मशीनें तो बाद में जब जैसे जैसे पैसे आते गए तब छोटी छोटी मशीनें खरीदते गए और काम आगे से आगे, फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाना भी शुरू कर दिए। और पहले जब कोई भी साधन नहीं था तो ब्लॉक से जो आती थी मुख्य सेवका, ग्राम सेवका, मेरा सामान उठा के ले जाती थी, खुद ही पैक करती थी, और जहाँ भी छोटी मोटी प्रदर्शनी होती थी ना, वहाँ ले जाके वो बेच देती थी और पैसा मुझे कमा के दे देती थी। तो इसमें और भी लोग आपकी मदद करते हैं, और भी महिलाएं काम करती हैं? ये काम तो मैं अकेली करती हूँ। अकेले करती हैं? हाँ सारा जी। बच्चे करते हैं हमारे और मैं अकेली करती हूँ। और इसमें से आमदनी कितनी आ जाती है? आमदनी तो कम से कम सालाना मोटा मोटा 1 लाख तक तो पहुँच ही जाता है एक साल में। बहुत बढ़िया। और जो गेहूँ होती है ना, उसका भी मैंने 465 क्विंटल गेहूँ का दलिया बनाया था। मेरे को बोला गया कि आप 1 महीने में उसको तैयार करना, तो मैंने उसको 15 लेडीज थी जी जी स्वयं सहायता समूह में जी, तो जी। हमने 16 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी आंगनबाड़ियों को। 465 क्विंटल गेहूँ, हाँ जी, उसका दलिया बना के 42 आंगनबाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 16 दिन में बना के। हाँ जी। और आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया 42 आंगनबाड़ियों में। हाँ जी। वाह, अभूतपूर्व। ये जो वैल्यू एडिशन कई चीज बना रही हैं, हाँ जी, इसकी सीख जो है, इसकी इच्छा बनाने की करने की आपके कहाँ से मिली? ये सीख मिली हमारे रिश्तेदार के घर में शादी थी। अच्छा। ये जो चीज़ें बनाती हूँ मैं, ये दहेज में देते हैं, सीरा सेमियाँ बढ़िया जो है, आजकल दहेज की प्रथा तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है और देना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बेटियों को हमारे यहाँ देते हैं। उन्होंने जो विधि इसके बनाने की है उसमें आपने कुछ परिवर्तन लाया गया है, वही विधि आप कर रही हैं? जो पहले हाथ से पीसते थे ना, वो खत्म हो गया, अब मशीनों से ग्राइंड करके तो जल्दी से फिर बना देते हैं। मशीनों के लिए आपने कोई सरकारी अनुदान लोन लिया है? कैसे नहीं, लिया? लोन नहीं लिया, अपने पैसे कमाए। और फिर सरकारी मदद और क्या क्या लेती हैं? अभी तो लोन लिया था स्वयं सहायता समूह में। स्वयं सहायता समूह से? हाँ जी। अच्छा, वो कितने ब्याज पे वो देते हैं? जी 2% ब्याज पे। नहीं, वो तो आपकी गाय रखी है आप? हाँ जी, गाय भी रखी है। उसके दूध का घर में इस्तेमाल? हाँ जी, नहीं घर में नहीं, बेचते भी हैं, घर से ही लोग ले जाते हैं घर। हाँ जी। अच्छा, इसमें कोई समस्या आती है, बीमारी या कुछ? कोई समस्या नहीं आती, पास में वेटनरी हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर खुद आ जाते हैं, सभी सहायता करते हैं मेरी। केवीके में भी डॉक्टर होते हैं, वहाँ से भी कोई आता? जब मैंने अचार चटनी का काम करना था, जो भी अचार भी डालती हूँ, तो मैंने 2013 में केवीके से भी साथ लिया, सहयोग लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अचार बनाने की विधियाँ सारी उन्होंने बताई, पर मैं केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती उसमें। क्या बात है।
एक साल तक मेरा अचार जो है वो चलता है। एक साल तक अचार चलता है और केमिकल नहीं होता है। अचार का कोई नाम दिया है, कोई ब्रांड, कोई ब्रांड बनाया डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं? अभी तक ब्रांड नहीं बनाया, वैसे ही बेचती हूँ, घर से ही बेच देते हैं। जी 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 जी। इसकी गुणवत्ता की कैसे होती है पहचान, कुछ सर्टिफिकेशन करवाते हैं? जी वो तो है मेरे पास है। हाँ जी। अच्छा चलिए, सुमनलता जी के साथ दिलचस्प बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द लौट कर आते हैं, आप कहीं भी मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान की इस विशेष कृति में, जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां, ये तालियां बजती रहनी चाहिए। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आई हमारी आज की महिला किसान नायिका सुमनलता शर्मा जी के लिए। सुमनलता जी, आपने बहुत सुंदर बात कही थी अभी ब्रेक से पहले कि दहेज ना देना चाहिए ना लेना चाहिए, पर आप दहेज में बहुत सुंदर चीज दे रही हैं अपनी बच्चियों को, और वो है शिक्षा। अपनी बच्चियों को आपने शिक्षित किया है, पोस्ट ग्रेजुएट बनाया है और उनको सेटल भी किया है, और ये सब कुछ आपने किया है अपनी कर्मठता से, खेती किसानी से, अपने घर में किए गए छोटे मोटे उद्योग से। आप अनंत अभिनंदन की पात्र हैं, जोरदार तालियां आपके लिए। तो चलिए अब अगली फिल्म दिखाते हैं दर्शकों को, जो कि इनके कार्यों के बारे में और जानकारी हम सबको देने वाली है। देखते हैं हमारी फिल्म। सुमनलता ने अपनी कोशिशों से न केवल अपने परिवार का कल्याण किया, बल्कि दूसरे परिवारों को आगे बढ़ने में सहयोग दिया। वो अपने उत्पादों को तैयार करने के लिए कच्चा माल जैसे गेहूं, मैदा और दूसरा सामान आसपास के छोटे किसानों से खरीदती हैं। साथ ही वो अपना काम समय पर पूरा करने के लिए कुछ लोगों को रोजगार भी देती हैं। इसके अलावा उन्होंने गांव की ही 10-12 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर इन घरेलू खाद्य उत्पादों को बनाने का काम शुरू किया। ये ग्रुप बड़े दिनों से बना है ना, तो हमें भी इसमें काम करते हैं सभी, तो अच्छे ढंग से चल रहा है। सुमन कुमारी काम करती है तो ठीक ढंग से, जो हमारे को जब जरूरत पड़ती है तो हम इस पे लोन भी ले सकते हैं, तो इस उससे हम अपना कारोबार ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लोन मिल जाता है। और जैसे हम सेमियाँ सीरा डालते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, उससे हमारा काम ज़्यादा चल सकता है। परंपरागत संसाधनों का प्रयोग करके सूक्ष्म उद्योग को विकसित करना आसान नहीं था। ये संभव हो पाया है कांगड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा के विभिन्न उद्देश्यों में महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण हेतु कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और ये जो विपदा रहती है कि महिलाएं खेतीबाड़ी में इतना काम करने के बावजूद एक किसान का हक नहीं पा पाती हैं, उसके लिए हम उन्हें सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो कि हम उनके गाँव में जाकर भी देते हैं और उसके साथ साथ हम अपने केंद्र पर भी आयोजित करते हैं। सुमनलता का कहना है कि पूरा साल उत्पाद तैयार होते रहें, उसके लिए वो ओवन और ड्रायर जैसी मशीनें खरीदना चाहती हैं, ताकि मौसम इनके मजबूत इरादों के आड़े न आए। विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों एवं व्यापार मेलों में भी सुमनलता अपने उत्पादों के स्टॉल लगाती हैं, जिससे उनके काम की जानकारी अन्य लोगों को भी मिलती है। पहले तो धर्मशाला में रेड क्रॉस का मेला लगाती थी, रेड क्रॉस का, फिर समर फेस्टिवल, फिर उसके बाद चंबा में मिंजर मेला 2005 से शुरू किया था सर्स फेयर लगाना, और चंडीगढ़ भी सर्स फेयर लगाया, और कुल्लू का दशहरा, और धर्मशाला का भी दशहरा लगाया, और इस बार भी सर्स फेयर लगा रही हूँ शाहपुर का भी। सुमनलता को इन घरेलू उत्पादों के लिए खंड स्तर, जिला स्तर, प्रांतीय
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों उत्सवों में सम्मानित किया जा चुका है। कृषक समूह पुरस्कार, मित्री कृषक पुरस्कार इनमें से कुछ नाम हैं। सुमनलता की बेमिसाल शून्य से शिखर तक पहुंचने की उपलब्धियों और सफलताओं को नमन। आइए। तो देखा आपने, सुमनलता जी ने खुद को तो आत्मनिर्भर बनाया ही है, आसपास के किसानों से कच्चा माल खरीदकर उनकी भी कितनी मदद की है। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे? लता जी, हमने देखा कि आप कई चीज़ें बना रही हैं, जैसे अचार है, सीरा भी बना रही हैं, और सीरा काफ़ी पौष्टिक भी होता है ना, ये गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, इसमें प्रोटीन फॉलिक एसिड भी होता है। तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? शेल्फ लाइफ मतलब कितने दिनों तक ये चलता है बिना खराब हुए? कम से कम भी 8 महीने तक खराब नहीं होता। 8 महीने तक? हाँ जी। तो आप जितनी भी ये चीज़ें बना रही हैं उसमें कहीं ये लिखा जाता है कि इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है कि इतने महीनों तक, वो लिखते हैं? हाँ आप उसमें? हाँ जी लिखते हैं। पैकेट में? हाँ जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ जी। फिर आपको FSSAI के बारे में सुना है आपने, जो ये सर्टिफिकेट देता है खाने की चीज़ों को बेच सकते हैं? हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ जी। अच्छा, तो आपको भी इसका मिला हुआ है? मिला हुआ है मेरे को। वो ना हॉस्पिटल में मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी ना, तो उन्होंने बनाया मेरा कार्ड एक। अच्छा, फूड प्रोडक्ट का ना। हाँ हाँ, वो दिया मेरे को बना के। अच्छा, थोड़ा हमें बताएं कि आप खेती में क्या क्या करती हैं, कितनी ज़मीन है और क्या क्या खेती किसानी करती हैं? खेती 8 कनाल ज़मीन है हमारी, इसमें गेहूं लगाते हैं। अच्छा। तो गेहूं कट गई तो मक्की लगा देते हैं जी। तो धान नहीं लगाते? हाँ जी, धान नहीं लगाते। धान नहीं लगाते। अच्छा, मक्का जो लगाते हैं वो क्या पशुओं के लिए या खुद के घर? खुद के लिए भी हो जाता है, पशुओं के लिए भी हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। सब्जियों में? सब्जियों में भिंडी लगा दी, करेला लगा दिया, और वो घिया तोरी वगैरह ऐसी सब्जियाँ। ये क्या घर के लिए या बेचने भी? घर के लिए, केवल घर अपने लिए, घर के लिए जी। सुमनलता जी, कांगड़ा से आपके साथ दिल्ली यहाँ स्टूडियो में कौन आया है? मेरा बेटा आया साथ। ओके, सुपुत्र आए हैं आपके, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है आपको। क्या नाम है आपका, अपने बारे में कुछ बताएं? मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं शाहपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। आप अपनी माता जी का कितना सहयोग करते हैं, सच सच बताएं? जी, अभी तो 2 साल हो गए मेरे को जॉब लगे हुए जी। उससे पहले जब स्कूल में थे, ट्रेनिंग में थे, तब तो पूरा प्रॉपर इनके साथ हमारा रहता था, जितना दिन दिनचर्या होती थी इनकी उसमें हम टाइम निकाल के इनका साथ देते थे पूरा। आप बहुत छोटे रहे होंगे जब से आपकी मम्मी काम कर रही हैं, तो वो जो मेहनत इन्होंने की है, संघर्ष किया है, वो क्या छवि आपके मन में है, क्या कहना चाहेंगे उस संघर्ष के बारे में? मैम, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो मेरे माता जी ने किया है और जो ये कर रहे हैं, मतलब ये प्रेरणा सबको दे रहे हैं, मतलब गांव में या बाकी शहर में भी, मतलब ऐसी कंडीशंस इन्होंने देखी हुई हैं कि घर की कैसी कैसी कंडीशन थी, तो कैसे इन्होंने मतलब करके यूटिलाइज करके कैसे कैसे काम किया है आगे जी, और जी। इस वे पे आगे गए हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया को थोड़ा बढ़ाते हुए। हमारे साथ यहाँ सुमनलता जी तो मौजूद हैं, इस एपिसोड की पहली महिला किसान राजू देवी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां राजू देवी जी के लिए। बाबला जी, अंक बताने की औपचारिकता को निभाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी डीडी किसान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री आलोक अग्रवाल जी से कि वो मंच पर आएं और हमारी दोनों महिला किसानों को शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। श्री आलोक अग्रवाल जी, चुरू राजस्थान से आई राजू देवी जी का सम्मान करते हुए, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आई सुमनलता शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं श्री आलोक अग्रवाल जी। हमेशा कहते हैं कि इस मंच पर, यानी कि महिला किसान अवार्ड्स के इस मंच पर आने वाली जितनी भी महिला किसान नायिकाएं हैं वे विजेता हैं। वो सभी इतना अच्छा कार्य कर रही हैं कि भाई अंक बताने का मेरा जी तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि ऐसा मुझे करना है, मेरी ड्यूटी है, मैं शुरुआत करना चाहूंगी राजू देवी जी के अंकों के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स ने राजू देवी को दिए हैं 65% अंक। जोरदार तालियां। सुमनलता शर्मा को हमारी जूरी ने दिए हैं 73% अंक। जोरदार तालियां। बहुत आसान है मुश्किलों से डर कर घर बैठ जाना,
अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। हौसला रखिए, कठिन परिश्रम कीजिए, मंजिल बाहें फैलाई आपका इंतजार कर रही है। कभी सुना है कि रात ने सवेरा ना होने दिया हो, तो आगे बढ़िए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। महिला किसान अवार्ड्स के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आप सब से फिर मुलाकात होगी दो और नई महिला किसान नायिकाओं की सच्ची कहानियां लेकर। आप देखते रहिए डीडी किसान की इस विशेष प्रस्तुति को, जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। अपने दम पर जैसा चाहा, मेहनत से वैसा कर डाला।